हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आपसे 10 और 11 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर शेयर करूंगा। एक्चुअली 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था ड्यू टू सम रीजंस। सो फाइनली आज सेम वीडियो में मैं आपको दोनों दिन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर दूंगा। पीडीएफ के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। देखो दो क्वेश्चन आप मुझे बताइए। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मुझे बताना है, रिसेंटली हु सेट्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर कंटिन्यूसली डांसिंग फॉर 126 आवर्स। सो 26 घंटे लगातार डांस करने के बाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड शामिल हो गई है, नाम दर्ज हो गया इनका। इनका नाम मुझे बताइए, कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है ये भी बताओ। सेकंड वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट हॉलीवुड फिल्म इन इंडिया टू क्रॉस ₹300 करोड़। 300 करोड़ का मार्क टच करने वाली फर्स्ट हॉलीवुड फिल्म इंडिया में कौन सी है जी, जो अभी जिसने 300 करोड़ रुपए कमा ली है, ये बताओ। इन दोनों के आंसर बताओ। अब शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ओके, दोनों दिन के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन शेयर करूंगा। फर्स्ट डे का हमारा रिसेंटली 15th फाइनेंस कमीशन मीटिंग विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 15वें फाइनेंस कमीशन और रिजर्व बैंक के बिटवीन एक मीटिंग हुई, तो आपको बताने की ये मीटिंग कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी। सो दिस मीटिंग वॉज हेल्ड इन मुंबई। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एंड अभी 15th फाइनेंस कमीशन के रिलेटेड मैंने आपको इन क्वेश्चन में कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं 2018 में अपॉइंट हुए थे टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एडवाइजरी काउंसिल में नामित हुए शामिल हुए कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद 15th फाइनेंस कमीशन कब से वर्क में आएगा, कब से फोर्स में आएगा, 1 अप्रैल 2020 ये याद रखिए। इसके जो चेयरमैन होंगे वो होंगे एन के सिंह, 14th फाइनेंस कमीशन चल रहा है प्रेजेंटली, उसके जो चेयरमैन कौन है वो है वाई बी रेड्डी। ओके, दिस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मुंबई। किसके साथ ये मीटिंग हुई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसके 25वें गवर्नर ने हमारे शक्तिकांत दास। नेक्स्ट वन इज ऑन विच डे वर्ल्ड थैलेसीमिया डे वॉज ऑब्जर्व, तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया एक ब्लड इनहेरिटेड एक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ ग्लोबिन होमोग्लोबिन प्रोड्यूस होता है, तो कौन सी डेट को ऑब्जर्व करते हैं जी। दिस वॉज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 8th मई। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एंड जो थीम रखा गया है यूनिवर्सल एसेस टू क्वालिटी थैलेसीमिया हेल्थ केयर सर्विसेज, ये ध्यान रखिए। अभी तक मई के इंपॉर्टेंट डेज में प्लीज आपका रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट को इंटरनेशनल लेबर डे, देन सेकेंड को ट्यूना डे, देन उसके बाद 3 मई को हुआ था नेशन स्पेस डे। दिस वॉज नॉट फिक्स कि 3 मई को होता है नेशन स्पेस डे। दिस वॉज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन फर्स्ट वीक ऑफ, मतलब जो भी फर्स्ट फ्राइडे आएगा ना आपका मई मंथ में, तो वो किसी डेट को भी आया। इस बार जो फर्स्ट फ्राइडे आया था वो आया था 3 मई को। ओके, 5 मई को वर्ल्ड लाफ्टर डे, वो भी फिक्स नहीं है, फर्स्ट संडे को आता है मई की। इस बार फर्स्ट संडे को 5 तारीख आई थी, तो 5 तारीख को वर्ल्ड लाफ्टर डे। 8th को वर्ल्ड अस्थमा डे, एंड 7th को वर्ल्ड अस्थमा डे, एंड 8th को हमारे रेड क्रॉस डे। ओके, एंड 8th को ही वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज चिंतन बैठक इन न्यू दिल्ली, चिंतन बैठक ऑर्गेनाइज की गई टू डिस्कस इश्यूज ऑन द रिलेटेड टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा ऑर्गेनाइज की गई जिसके मिनिस्टर हैं आर के सिंह। आई होप आपको एक आइडिया मिल गया कि किसकी बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर होगा जी इसका ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, देखो स्टूडेंट्स कल मुझे कमेंट कर रहे थे सर आप ज्यादा डेप्थ में जाओ, बिल्कुल सर बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे स्टूडेंट्स सजेस्ट कर रहे हैं हम। बट एक्चुअली कुछ दिनों से एक्चुअली मैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में था, मैं आउट ऑफ स्टेशन था, अराउंड 500 किलोमीटर गया था, अभी अप एंड डाउन करना, तो सारी चीज़ें थोड़ी सी हेक्टिक हो गई थी। तो इसी वजह से मंडे से हम प्रॉपर वीडियोस बिल्कुल एज पर यूर सजेशंस बिल्कुल हम डेप्थ में जाएंगे, बट आज के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा कोई रह ना जाए, तो इसीलिए मैं पहले कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना करें, डेप्थ में भी हम जरूर जाएंगे। नेक्स्ट हमारा पर्पल फ्रॉग कुड सून बी डेजिग्नेटेड एज अ स्टेट एम्फीबियन ऑफ वेस्ट, तो कौन सी स्टेट की ऐसे एम्फीबियन बनाया जाएगा, मतलब स्टेट एम्फीबियन डिक्लेयर किया जाएगा हाल ही में कुछ टाइम बाद, तो कौन सा स्टेट होगा जी जो ये डिक्लेयर करेगा। करेक्ट आंसर होगा जी केरल। ओके, अब मुझे एम्फीबियन से एक चीज़ अभी न्यूज में मैरीन लिजर्ड, वो भी एक सफलतापूर्वक परीक्षण किया था जो पानी में भी चल सकता है बोट एंड वो जमीन पर भी चल सकता है, लाइक एम्फीबियन है तो वो पानी एंड जमीन में दोनों में रहेगा, तो वो भी अभी सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, कौन सी कंट्री ने किया था, आई होप आपको याद आ गया, वो किया था चाइना ने। ओके, नेक्स्ट वन इज रिसेंटली द फेमस पर्सनैलिटी वॉज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न लीगल एजुकेशन इन इंडिया, तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, तो आपको बताने की इनका क्या नाम था। करेक्ट आंसर होगा एन आर माधवा मेनन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच जुबली यानी कि विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फेमस काफी बड़ी पर्सनैलिटी रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने हमारा राष्ट्रगान जनगणमन लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आपको बताना है कि इनका अभी हाल ही में 7 तारीख को एक बर्थ एनिवर्सरी इनकी ऑब्जर्व की गई, तो कौन सी वाली बर्थ एनिवर्सरी थी। करेक्ट आंसर होगा इसका जी ऑप्शन नंबर बी 158th। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट इंडियन जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था इन लिटरेचर फॉर हिज वर्क गीतांजलि, इन्होंने हमारा राष्ट्रगान एंड बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला
ये दोनों कंट्रीज का लास्ट का लिखा हुआ है। ओके याद ध्यान रखना, करेक्ट आंसर 158th फर्स्ट इंडियन जिन्हें रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था इन लिटरेचर। ओके गांधी जी को महात्मा की उपाधि भी इन्होंने ही दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर। ओके देन हमारा सेवंथ क्वेश्चन, व्हिच सिटी हैज रिसेंटली बीन चूजन एज अ पेमेंट सेंटर इन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप भी एक पेमेंट फीचर यूज लॉन्च करने वाला, लाइक जैसे आप गूगल पे यूज करते हो, ठीक है, इस तरह से व्हाट्सएप पे भी फीचर लॉन्च होने वाला है। तो अब इसने अपना एक पेमेंट सेंटर कोई किसी सिटी को सिलेक्ट किया, तो कौन सा सेंटर सिलेक्ट किया जी, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लंदन। ठीक है, लंदन से मुझे एक चीज याद आ रही है, इंडिया मार्केटर्स की सबसे फेवरेट चॉइस फॉर इन्वेस्टमेंट, वो भी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो भी लंदन ही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंडिया विल जॉइंटली कोलैबोरेट विद विच कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग मूवी ऑन मुजीबुर, बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, बांग्ला बंधु शेख मुजीबुर रहमान एक मूवी बनेगी। अब बांग्ला से तो आपको एक आइडिया लग ही गया होगा कि कौन सी कंट्री के साथ मिलके, ही वाज द फाउंडर ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। तो कौन सी कंट्री और हमारा देश मिलके एक मूवी बनाएंगे, ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश, ध्यान रखिए। ओके देन हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली पास द लॉ फेक न्यूज लॉ। ठीक है, फेक न्यूज लॉ पे 1,000,000 का आपको फाइन भी हो सकता है, देन उसके बाद 10 साल की जेल भी हो सकती है। काफी कंट्रीज में ऑलरेडी ये लॉ पास हो चुका है, अभी रिसेंटली कौन सी कंट्री ने पास किया जी, सिंगापुर। ओके टेंथ क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच स्टेट्स वाज द फर्स्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ वुमेन्स कमांडो यूनिट इन द एंटी नक्सल वॉर। ठीक है, नक्सलियों के एक उनके अगेंस्ट एक वुमेन कमांडो टीम फोर्स इंडक्ट की गई, डिप्लॉय की गई, तो कौन सी कंट्री ने की, कौन सी स्टेट ने की, नॉट कंट्री, करेक्ट आंसर है जी हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, अभी मैंगलोर में भी मैंने आपको बताया था रानी अबाका फोर्स ईव टीजिंग या वुमेन्स के लिए साथ कोई भी जो प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए एक स्पेशल डिप्लॉय की गई थी फोर्स रानी अबाका, वो मैंगलोर कर्नाटक, वो भी आप ध्यान रखना, इसका जो करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। ओके देन ये अब टेंथ में क्या हो गया, अब मैं आपके 11th में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। ओके फर्स्ट रहेगा, रिसेंटली विच IIT हैज क्रिएटेड अजीत, एक इंडिजीनियसली बिल्ट अ माइक्रो प्रोसेस जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में हमारी कंट्री में एक रेवोल्यूशन लाने वाला है। जितना भी हम बाहर की कंट्रीज पर रिलाई करते हैं वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कम करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। स्पेशल थिंग कि ये इंडिजीनियसली बिल्ट हुआ है, हमारे इंडिया में खुद ही बनाया, तो कौन से IIT ने बनाया, करेक्ट आंसर होगा जी IIT बॉम्बे। ओके सेकंड वन इज, हु विल बी द मेन स्पॉन्सर ऑफ अफगानिस्तान टीम इन द ICC वर्ल्ड कप 2019 में, स्पॉन्सर कौन करेगा जी अफगानिस्तान टीम को जी, ये होगा जी मार्केटर ऑफ द ईयर 2018, समझ गए आप लोग, पिक्चर से तो पहचान गए, अमोल। ओके जिसके हेडक्वार्टर गुजरात। देन अकॉर्डिंग टू द रिसेंट एयर हेल्प सर्वे, एक सर्वे अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट आपको बताने की विच एयरपोर्ट वॉज कैटेगराइज एज द बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा रहा जी। ओके तो बेस्ट कौन सा रहा जी, ऑप्शन नंबर ए हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहाँ पे है जी, है जी कतार में। ओके ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सेकेंड पे रहा जी टोक्यो, देन एथेंस ग्रीस में, एंड हमारा भी इंडिया में टॉप 10 में हमारे इंडिया का भी है हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, इसका जो टॉप पे रहा अहमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतार में, एंड हमारे इंडिया का जो ध्यान रखना राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है हैदराबाद। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री रिसेंटली रिपोर्टेड द फर्स्ट एवर फर्स्ट केस ऑफ मंकी पॉक्स वायरस, फर्स्ट केस इसका देखा गया जी किसी कंट्री में मंकी पॉक्स वायरस का, तो कौन सी कंट्री में देखा जी ऐसा फर्स्ट केस, करेक्ट आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर। ओके देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन एक्ट्रेसेस हैज बीन अपॉइंटेड एज अ UN एज इट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस के लिए अपॉइंट की गई, तो एडवोकेट इंडियन एक्ट्रेसेस, तो क्या नाम है जिनका, पिक्चर से उम्मीद करता हूँ आपने पहचान लिया इनको, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर होगा जी इसका ऑप्शन नंबर सी दिया। ओके देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज बिकम द सेकंड इन द वर्ल्ड टू डिक्लेयर क्लाइमेट इमरजेंसी, एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट कंट्री बनी थी UK, सेकेंड कंट्री कौन सी बन गई है जो डिक्लेयर क्लाइमेट इमरजेंसी, आयरलैंड। ओके देन हमारा सेवंथ क्वेश्चन है, इंडिया हैज साइंड एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन चिली मिल, ठीक है मर्ची आपको दिख रहा है ना, कोई चिलीज हम इसको एक्सपोर्ट करने वाले, तो कौन सी कंट्री को करेंगे, चाइना। ठीक है, चाइना से हमने दूध लेना, दूध के प्रोडक्ट्स भी हमने बैन कर दी, ठीक है, एक केमिकल मेलामाइन उस वजह से हमने उसमें टॉक्सिक है जो हमारे इंडियन लेबोरेटरीज में टेस्ट हुआ, तो उस वजह से हमने वो बैन किया, 2008 से ही बैन था, बट इस पर फर्दर फिर से बैन रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। देन हमारा 8th क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट नेचुरल आइस कैफे इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, ठीक है स्टेट को कैफे क्या नेचुरल आइस कैफे लाइक इन दिस फॉर्म, ठीक है लाइक इरीगेशन में यूज हो सकता है,
ड्रॉट कंडीशन में यूज हो सकता है ये कैफे। तो ये बर्फ का बना हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सी जगह बनेगा जी? ये बना है जी जम्मू एंड कश्मीर में, लेह लद्दाख रीजन में, ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड इससे मुझे कैफे साइंटिफिक याद आ रहा है, ठीक है, कैफे साइंटिफिक जो बना था केरल में, तो वो भी ध्यान रखना। तो वो भी बना था लाइक टू गिव डिस्कशंस टू डिस्कस ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो वो ध्यान रखना। एंड आइस कैफे बना है जी जम्मू एंड कश्मीर के लद्दाख रीजन, लेह लद्दाख रीजन। देन हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। अभी पॉइंट होगी जी, रीइलेक्ट हुए जी, क्या नाम क्या जी इनका? जगजीत पवाड़ी, ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएनएस रणजीत जो भी हाल ही में डीकमीशन की गई, रिटायर की गई बाय इंडियन नेवी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश पोर्ट में, तो ये आपको बताना कि कौन सी कंट्री ने बनाई थी, व्हिच इज मेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, करेक्ट आंसर होगा रशिया, यूएसएसआर, ओके, 36 साल बाद इसे रिटायर घोषित कर दिया। सो दैट्स ऑल, उम्मीद करता हूँ सारी चीजें क्लियर है। आई नो ज़्यादा मैं डिटेल नहीं एक्सप्लेन कर पाया, एंड स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मैं इसे बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेन करूँगा, आई एग्री, बिल्कुल करेंगे। एक्चुअली आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, एक्चुअली ये काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो गया था 2-3 दिन से शेड्यूल, तो बट फर्स्टली मेरी प्रायोरिटी ये थी कि एटलीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर दिया जाए, आपके क्वेश्चंस मिस ना हो सबसे बड़ी बात ये। देन उसके बाद डेप्थ में तो हम चले जाएंगे, उसका कोई इशू नहीं, हम डेप्थ में ही करेंगे, टॉप 10 या 12 क्वेश्चंस लिया करेंगे, हम उसको हम डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, फ्रॉम मंडे स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल वैसे ही हम करने वाले। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, एंड संडे के लिए तैयार ही कल के वीडियोस के लिए, जिसमें आपका इन सारे क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाएगा, एंड कल के इससे पहले पूरे वीक के फ्रॉम लास्ट मंडे टू सैटरडे जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आपका लाइव टेस्ट हो जाएगा, उसके लिए भी रेडी रहिए। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ ग्रेट डे।